हेलो फ्रेंड्स, माई टू में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 का जो हिंदी का पेपर अभी अभी जस्ट बीता हुआ है फर्स्ट सेटिंग का दोस्तों, यानी 15 फरवरी का फर्स्ट सेटिंग का हिंदी का पेपर दोस्तों। तो हमारे पास पूरा का पूरा आंसर आ गया है, पेपर भी आ गया है, आप लोग यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हैं दोस्तों। तो हम लोग फटाक से जो कम समय में बेहतरीन तरीके से हम लोग पूरा का पूरा आंसर ही देख लेते हैं। पूरा का पूरा आप लोग आंसर मिला लीजिए यहाँ पे, आप जो यहाँ पे चलिए सवाल नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मुद्रे पंडित, ठीक है दोस्तों, पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजी नाटक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पापति बेहोशी क्यों पड़ी थी दोस्तों? तो बुखार की तेजी के कारण, ऑप्शन नंबर जो है कि इसका डी हो जाएगा। ठीक है, माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, तो दोस्तों यह किसने कहा था दोस्तों? तो कैलाश ने, ऑप्शन नंबर जो है कि इसका ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट था, ठीक है दोस्तों, नानकाना साहब अब कहाँ है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5 है, सोहिला किनकी रचना है दोस्तों? तो अनामिका की है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिखों के 5वें गुरु कौन थे दोस्तों? गुरु नानक जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड कमन जो है कि कमंडल सिख शुद्ध धोती तीर्थ गवनु अति प्रमणु करे, यह पंक्ति की शीर्षक कविता से उद्धत है दोस्तों? तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये दो जो जो है कि दोस्तों पेपर है 15 फरवरी हिंदी का पेपर है दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का। तो आप लोग अपना अपना आंसर, जो भी बच्चे जो भी छात्र जो है कि आए हैं एग्जाम देकर के, अपना अपना आंसर मिला लीजिए कि किसका कितना मार्क्स आ सकता है, अभी से पता चल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है? तो दोस्तों प्रथम पद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पिछानी शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? तो उपाय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि स्क्रीन पे आपके सामने है, सवाल नंबर 10, निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रस खान। अगला सवाल है, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, किस प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बड़ोदरा नरेश के। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल है, द अनचेंटमेंट किनकी रचना है दोस्तों? तो ऑप्शन इसका थोड़ा डाउट है दोस्तों, आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए अगला है, 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है दोस्तों? तो 20 के दांत तथा अन्य कहानियां से, ऑप्शन नंबर जो है कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपके सामने, सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो 1923 में हुआ था। अगला सवाल है, यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के, ठीक है, फूट से निकालकर यही चारपाई पर रखे खाली स्थान पर भी मिल ही नहीं रहे? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा रिश्तेदार की पत्नी ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाषा और समाज। अगला सवाल है, सवाल नंबर 17, अथेस्ट शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अधिकार। चलिए आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, रंग कर्म का जो है कि रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपाद निम्न में से कौन थी दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आप लोग यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है दोस्तों, हिंदी का पेपर है, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 जो है कि 15 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर दोस्तों हिंदी का। तो पूरा का पूरा आंसर की यहाँ पे आप लोग मिला लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे दोस्तों? तो 2-2.5 साल रहे। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नौकर की कमीज। अगला सवाल है, इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सहकार, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृहस्थ शब्द का विलोम क्या है दोस्तों? तो सन्यासी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असंभव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, सवाल नंबर 24, चेहरे पर हवाइयां उड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है दोस्तों? घबराना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? तो महेंद्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक शब्द का विशेषण क्या होगा दोस्तों? तो इसका ऑप्शन आप लोग जो कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इस प्रकार ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला सवाल है दोस्तों, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो निरक्षर, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर जो है कि 28, यहाँ पे देख सकते हैं आप, राम खाता होगा, यह किसका, इस यह जो है कि किस काल का उदाहरण दोस्तों, तो जो है कि संभाव्य वर्तमान। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरोह शब्द कौन संज्ञा है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा समूहवाचक। ठीक है दोस्तों, चलिए फटाक फटाक अपना आंसर मिला लीजिए दोस्तों, जो भी बच्चे फर्स्ट शिफ्ट से जो है कि पेपर देकर आए हुए हैं, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 हिंदी का पेपर दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का, तो अपना आंसर की मिला लीजिए। ठीक है, आपका रिजल्ट जो है यही पता चल जाएगा कि आपका मार्क्स कितना आने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवैया शब्द में प्रत्यय क्या है दोस्तों, तो एव है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ से पत्ते गिरे या किस कारक का उदाहरण है दोस्तों, अपादान कारक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, निम्नांकित वाक्यों में कौन वाक्य अशुद्ध है दोस्तों, अशुद्ध वाक्य चुनना है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हमारे प्रदेश की जनता शांत है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, निम्न में से यानी निम्न में तद्भव शब्द कौन है दोस्तों, तो मोर है तद्भव शब्द, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, तो चार प्रकार होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे शब्द जो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं दोस्तों, तो यौगिक शब्द कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, स्क्रीन पे आपके सामने, आप यहाँ बिल्कुल मिला सकते हैं, उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो दोस्तों जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है, इसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था दोस्तों, तो जफरीन अस्पताल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेनर मारिया रिल्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्त शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों, तो मोम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मिलाते हैं, सवाल नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सीरियल नंबर इधर उधर हो सकता है दोस्तों, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं दोस्तों, तो ये तो आपको पता होना चाहिए, 6 भेद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा न हो कि कोई आ जाए, यह किसका सर्वनाम का उदाहरण दोस्तों, तो यह जो कि निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो विशेषण कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर भर दूध यह किस विशेषण का उदाहरण है दोस्तों, तो आप लोग इसमें मिला लीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, सवाल नंबर 44 है, दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभाल ली गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कन्नड़ कहानियां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंगमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी, तो दोस्तों लक्ष्मी को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा दोस्त, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हर एक आने वाला सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप का भी जो है कि पेपर आप तक पहुंचेगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फायदे में रहिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल है, तीन गौरव निष्णात डॉक्टरों ने एकमत होकर जो है कि मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया दोस्तों, तो पागलपन मिटाना संभव नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपके सामने, ठीक है आप यहाँ बिल्कुल देख सकते हैं, थोड़ा सा धूम इन हो गया है। ठीक है दोस्तों, मंगू किस समय से पागल था दोस्तों, तो जन्म से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक सुजाता, ठीक है, रचित कहानी का नाम क्या है दोस्तों, तो नगर नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कवि रसखान को कुष्ठमार्गी में दीक्षा किसने दी, तो दोस्तों गोस्वामी, ठीक है, विष्णुनाथ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनकी रचनाओं से मुक्त होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था इन मुसलमान हरिजनन पे जो है कि हिंदू वरीय। ठीक है दोस्तों, रसखान ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था दोस्तों, तो आप लोग इसमें से मिला लीजिएगा, आपका राइट आंसर क्या होगा आप खुद जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्क्रीन पे आपके सामने, घनानंद किसके जो है कि सैनिकों द्वारा मारे गए थे दोस्तों, तो जो कि नादिर शाह के सैनिकों द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है दोस्तों, तो आप लोग ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ है, आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, मनुज भारतीय देखी को सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता से है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वदेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया दोस्तों, तो ऑप्शन इस प्रकार है दोस्तों, तो इसमें थोड़ा आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम्या किसकी रचना है दोस्तों,
तो बद्री राणा चौधरी प्रेम की। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो पे यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा आने वाला नेक्स्ट पेपर आप तक जल्दी से जल्द पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 ये जो है कि 15 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का हिंदी का पेपर है दोस्तों। तो जो पूरा का पूरा आंसर की मिला लीजिए आप लोग कि आपका आंसर कितना आएगा। सुमित्रा नंद पंत के पिता का क्या नाम था दोस्तों? तो हरिश्चरण दत्त पंत था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था दोस्तों? शिवराज सिंह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोन नदी कहाँ है दोस्तों? तो दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो है कि पुरस्कृत किया गया था दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झोले में कितनी मछलियां थी दोस्तों? तो 3 मछलियां थी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर है 64 स्क्रीन पे आपके सामने, भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा? तो दोस्तों संतू ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यदा कदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था दोस्तों? शमसुद्दीन, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्ला खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे दोस्तों? तो शहनाई बजाते थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया है दोस्तों? तो काशी में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग पढ़ते हैं जो कि स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है, गांधी जी को किसने महात्मा कहा दोस्तों? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी स्वीकृति दोस्तों, संस्कृति माफ कीजिएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंता किसकी रचना है दोस्तों? तो ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ है, आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूर से ही कौन ललकारता है दोस्तों? एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करें दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका खरगोश जो है कि खरगोश की खालिश बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता की है दोस्तों? तो अक्षर ज्ञान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित करती है दोस्तों? संबोधित है तो दोस्तों भक्तों को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है दोस्तों? तो स्वदेशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं जो कि स्क्रीन पे आपके सामने है, 75 76 माफ कीजिएगा, एक ध्वनि जब जो है कि व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है दोस्तों? तो इसका सही जवाब आप लोग खुद ढूंढ लीजिएगा, ऑप्शन इस प्रकार है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भ का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? तो ओष्ठ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए ऑप्शन इस प्रकार है, तो दोस्तों मिला लीजिएगा अपना आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 79 जगदानंद शब्द संधि विच्छेद निम्न में से कौन है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जगत प्लस आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80 स्क्रीन पे आपके सामने, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है दोस्तों? तो निवृत्ति है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है सवाल नंबर 81, संग्रह शब्द में उपशब्द क्या है दोस्तों? तो सम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा दोस्तों? तो साप्ताहिक होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है? तो अनिय है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 84 शरणागत शब्द कौन समाज से दोस्तों? तो इसका सही जवाब आप लोग ढूंढ लीजिएगा, ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, किसी किसी का एक एक दो का छूट गया है दोस्तों, तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 85 स्क्रीन पे आपके सामने, ध्यान मन मग्न यानी साधक यह कौन सा पद है दोस्तों? तो इसको आप लोग जो भी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर है 86, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों 2 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, या किस वाक्य का उदाहरण है दोस्तों? तो ऑप्शन इस प्रकार है, तो आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, किसी किसी का जल्दबाजी में छूट गया है, तो आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ ने बच्चे को सुलाया, या किस कारक का उदाहरण है दोस्तों? तो संबंध कारक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन मिश्र वाक्य है दोस्तों? तो मैं खाना खा चुका तब वह आया, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धक जो है कि निर्धड़क शब्द कौन समास है दोस्तों? तो अव्ययी भाव समास होता है, याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पे आपके सामने, निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि प्रश्नवाचक चिन्ह कैसा होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में यानी निम्न भाषाओं में किस
भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं दोस्तों, तो हिंदी को लिखते हैं, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है, मिला लीजिएगा अपना अपना आंसर दोस्तों। नेक्स्ट है 93, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है दोस्तों, तो वाहन है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रवेश शब्द कौन लिंग है दोस्तों, तो उभयलिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है दोस्तों, तो क्या होता है, दात्री होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से तत्सम शब्द कौन है दोस्तों, तो आम्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा दोस्तों, भाग्यवती, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, कारक के कितने भेद होते हैं दोस्तों, तो 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ता कारक के विभिन्न चिन्ह क्या है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस सेशन का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, आप यहाँ पे 100 क्वेश्चन नंबर को देख लीजिए अच्छे से। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे कर्म कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैंने जो है कि आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 15 फरवरी का एक फर्स्ट शिफ्ट का पेपर दोस्तों हिंदी का, ठीक है, तो दोस्तों ये वायरल भी हुआ था जो है कि आपको मैंने 100 वायरल क्वेश्चन प्रोवाइड कराए दोस्तों, ठीक है, आप यहाँ बिल्कुल मिला लीजिए अपना आंसर मिला लीजिए दोस्तों, 100 में 100 आपका आएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार जो है कि आंसर आपके सामने है दोस्तों, तो 100 में 100 मिला लीजिए दोस्तों, ठीक है। यदि आप एग्जाम देकर आए हैं तो अपना मिला सकते हैं दोस्तों कि आपका जो है कि रिजल्ट कितना तक जाएगा, ठीक है दोस्तों, कि स्कोर क्या हो पाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है कि मैंने टिक मार दिया हुआ है, आप लोग जो है कि अगले वीडियो का इंतजार करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा अगले पेपर का जो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, ठीक है दोस्तों, बहुत ही लाभ होगा और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो, ठीक है दोस्तों, में भी शेयर करें, ठीक है दोस्तों। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 15 फरवरी, ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट शिफ्ट हिंदी का पेपर है दोस्तों, तो आप लोग मिला लीजिए कि आपका स्कोर क्या रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। पूरा का पूरा जो है यहाँ पे टिक मारा हुआ है, आप यहाँ बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और जो दोस्तों में भी शेयर कर लें, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो इसी उम्मीद के साथ मुझे जो है कि आई होप कि मुझे लगता है कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, देख सकते हैं आप दोस्तों, ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक।